नमस्कार दोस्तों, मेरे व्यापारी भाइयों, स्वागत है आपका माई बिलिंग पैड के एक नए ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि प्रेजेंट टाइम में माई बिलिंग पैड का जो ऑफर चल रहा है फ्री सॉफ्टवेयर का। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में हमारा उद्देश्य है, माई बिलिंग पैड का उद्देश्य है कि ऐसे सभी व्यापारी जो सॉफ्टवेयर के प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो 15 से 20 हज़ार वाला सॉफ्टवेयर नहीं लगवा पाते हैं, उनको पूरा अपना बिजनेस मेंटेन भी करना है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। प्रेजेंट टाइम में माई बिलिंग पैड के द्वारा सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल कराया जा रहा है। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सच में सॉफ्टवेयर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी दोस्तों, सॉफ्टवेयर का कोई चार्ज नहीं है। आपका जो सर्विस सपोर्ट आप लेंगे उसका सिर्फ आप छोटा अमाउंट एक AMC आपको पे करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा, वो भी मैंडेटरी सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है। क्योंकि जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि एक AMC इसलिए लेना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप ट्रेनिंग लेंगे, सपोर्ट लेंगे, तो जो कंपनी आपको फ्री में सर्विस सपोर्ट भी तो नहीं प्रोवाइड करा पाएगी ना, इसलिए सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो AMC है उसका चार्ज आपसे बस छोड़ा एक छोटा अमाउंट लिया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा है, यूज करने में कैसा है। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर का थोड़ा पूरा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, अब आपको इसमें क्या क्या मेंटेन कर सकते हो ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है हमारे माई बिलिंग पैड का आपका रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का, ये देखिए डैशबोर्ड, ये पूरा सॉफ्टवेयर प्रेजेंट टाइम में ओपन है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका जैसे प्रोडक्ट अगर आपको आइटम एड करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले सिंपली आप F1 पे क्लिक करके यहाँ से प्रोडक्ट को एड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो फंक्शंस हैं दो कैटेगरी में बहुत सिंप्लीफाई तरीके से डिवाइड किए गए हैं। ये यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन के नीचे जितने ऑप्शन हैं रिपोर्टिंग के लिए हैं, और ये ऊपर के जो ऑप्शन हैं ये आपके डेली यूजेस के हैं। जैसे अगर आपको प्रोडक्ट एड करना है तो आप प्रोडक्ट एड आइटम पर क्लिक करके प्रोडक्ट एड कर लीजिए, और अगर आपको बारकोड प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करके जिस भी प्रोडक्ट का बारकोड आपको प्रिंट करना होगा उसका आप यहाँ पर बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि ये पूरा प्रोडक्ट जितने प्रोडक्ट अभी हैं उनका यहाँ पर टोटल क्वांटिटी के साथ तो बारकोड नंबर यहाँ पे शो हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कॉपी बारकोड पे क्लिक करते हैं तो जितने भी यहाँ पे कॉपीज हैं बारकोड के वो क्रिएट होने जाएंगे। नंबर ऑफ कॉपी में जितना आप डाल देंगे उतनी कॉपी बारकोड का क्रिएट होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए परचेस, तो यहाँ पे ये परचेस का आपका ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं और माउस की मदद से भी क्लिक करके कर सकते हैं। F3 दबाइए, डायरेक्ट परचेस करिए। और सेल पैनल, जी हाँ दोस्तों, इसका सेल पैनल बहुत ही सरल है, आप इसको सेल पैनल यूज़ करना अगर आप कंप्यूटर चलाना या ऑपरेट करना नहीं भी जानते हैं तब भी थोड़ा सा बस आप एक बार ट्रेनिंग लेंगे और आप इजली और आसान तरीके से पूरे दिन बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपको प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरी में सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम को सर्च करके, यहाँ से बारकोड सर्च करके। मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट का एड यहाँ पे करता हूँ, जैसे प्रोडक्ट का नेम ए डाला, तो जैसे SEC सीमेंट करके हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर मैंने डाल दिया कि 2 क्वांटिटी में जा रहा है, सिंपली आप एड कर लीजिए या इंटर करके भी जाएंगे आपका एड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है कि बारकोड से अगर स्कैन करना है तो आप यहाँ पर इस चीज़ को बारकोड के जरिए भी स्कैन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 0002, और जैसे मैं यहाँ पर स्कैन हुआ हमारा बारकोड, और आप देखेंगे कि तुरंत हमारा क्या हो गया कि कार्ट में चला जाएगा। देखिए मैं इंटर बटन जैसे हिट करता हूँ, ऑटोमेटिक आपका इसमें स्कैन हो जाएगा, क्योंकि मैंने टाइप किया, मैंने बारकोड स्कैनर लगाया हुआ नहीं था। आपको डायरेक्ट जैसे स्कैन करेंगे तो आपको इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वो आपके कार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों मिलता है आपको बिल बनाने के लिए, सिंपल सेटल बटन पर क्लिक कर लीजिए। ये देखिए टोटल अमाउंट नीड टू यू पे कितना पे करना है, 1200 रुपये। अब इस अमाउंट को आप एक ही बिल में मल्टीपल ऑप्शन यूज करके भी पेमेंट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, छोटा ही बहु बिल हो या बड़ा बिल हो, हमें 2-3 मेथड में आता है। जैसे सेम बिल, जैसे ये आपका 1200 का समथिंग बिल है, 1199 रुपये का, सामने वाले ने बोला भैया मैं 100 रुपये सिर्फ मेरे पास कैश है, आप ले लीजिए मुझसे, बाकी का ऑनलाइन ले लीजिए। तो सिंपली है 100 रुपये आप इसमें डाल दीजिए, कितना लेना है, यहाँ देखिए माइनस में शो कर रहा है 1099 रुपये, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 1000 रुपये। उसने क्या कर दिया, बोला भैया मुझसे कार्ड ऑनलाइन ले लो गूगल पे से। चले मैंने बोला वो भी ठीक है भाई। फिर उसने बोला भैया मेरे पास अब पैसे तो नहीं है अकाउंट में भी इतने, 99 रुपये आप मुझसे कार्ड से ले लीजिए, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप तीनों मोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पे जैसे वैसे वो पैसे देगा वैसे वैसे मोड आप यहाँ पे डाल के पूरा पेमेंट एक ही उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब आप पूछेंगे इसका यूज क्यों है, हम क्यों नहीं डायरेक्ट वहीं पे डाल के जाए जिससे पैसा ले ले, उसका इसलिए यूज होता है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे भी बिल बना देता हूँ, ये देखिए पहले बिल बन जाए इनका। जैसे इनका बिल बन जाता है मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। देखिए
इससे क्या होगा, आपको रिपोर्टिंग में समझ में आएगा कि कौन सा बिल कैसे आया। जैसे देखिए यहाँ पे टोटल ग्रॉस टोटल हमारा जो बिल बन रहा है यहाँ पे देखिए 1200 रुपये का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बिल को आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ बिल होगा कैसा एग्जांपल के तौर पे। ये देखिए जैसे डेमो कंपनी, यहाँ पे आपका शॉप का नेम, इस साइड टैक्स इनवाइस, यहाँ पे इनवाइस नंबर, डेट और यहाँ पे कस्टमर का डिटेल्स हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट का डिटेल्स, क्वान्टिटी, रेट, डिस्काउंट, GST आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट। अब जो उन्होंने गूगल पे QR कोड से पे किया वो अमाउंट का QR कोड, डायनेमिक QR कोड सिर्फ 1000 रुपये का। फिर उन्होंने कैसे कैसे पेमेंट किया, देखिए डिस्काउंट उनको मिला है 25 रुपये का, वो डिस्काउंट से कर रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए क्या SGST क्या CGST लगा वो से कर रहा है। अदर चार्जेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए टोटल हुआ है आपका 1198.76 रुपये, राउंड अप 24 रुपये, टोटल 1199 रुपये समथिंग का हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि पेमेंट कैसे कैसे मोड में आया है, इसकी आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, देखिए मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, ऐसे क्लोज करता हूँ अपने सेल पैनल को। अब मैं यहाँ पे देखिए जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्ट हम देखेंगे क्यों क्यों यूज है। तो सेल रिपोर्ट में जैसे हम जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आज का डेट का मुझे रिपोर्ट देखना है, मैंने व्यू पे क्लिक किया। अभी आज के डेट में मैंने इसमें एक ही बिल बनाया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बिल कैसे बना है। यहाँ पे देखिए टोटल आपका बता रहा है कि आपका इनवाइस नंबर 3005 21/12/2023 डेट पे जनरेट हुआ है। ग्रैंड टोटल 1199 रुपये का हुआ है। कैश में 100 रुपये आया है, 99 रुपये कार्ड से आया है और 1000 रुपये ऑनलाइन है। तो यही रिपोर्ट जो होता है ना दोस्तों, हमको एकदम क्लियर पता होता है कि एक्चुअली में बैंक में कितना पैसा गया है, कार्ड के जरिए बैंक में कितना गया है, UPI के जरिए कितना गया है और कैश में मेरे पास कितना आया है। तो मतलब पूरा हिसाब किताब इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप एकदम एक्यूरेसी के साथ रख सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों आप इसमें बहुत प्रकार की रिपोर्टिंग सिस्टम दी गई है, नियर अबाउट 200 प्लस रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसकी मदद से आप अपने पूरे बिजनेस को एकदम आसानी से समझ सकते हैं और बहुत ही सरल और सुचारू रूप से चला भी सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ बहुत ही बेस्ट और इजी टू यूज़ वाला बिलिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। अगर अभी भी आप वेट कर रहे हैं कैसे सॉफ्टवेयर का जो आपको फ्री में मिल जाए, आपके कम बजट में एडजस्ट हो जाए, तो ये जो अब प्रेजेंट टाइम में आपको ऑफर है इसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी बेस्ट ट्यूटोरियल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा वाला ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।